हाय गाइस, जय हनुमान। जेई मेन के फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि जेई मेन के फॉर्म में अभी फरवरी में भरा हुआ डेटा ही आपका आगे चारों सेशन में रोटेट होने वाला है। फॉर्म में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th और 12th की एकेडमी डिटेल एग्जैक्टली आपकी मार्कशीट से मैच करती हुई होनी चाहिए। फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ में आपका फेस 80% ऑन दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए। फॉर्म में पहली बार सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जो कि आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, यानी SC ST EWS और OBC के बच्चों को फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो अपने सर्टिफिकेट्स को आप बना लीजिए। अगर आपने नहीं बनाया, पुराने सर्टिफिकेट्स हैं, तो ज्यादा मेरा सजेशन रहेगा कि नया सर्टिफिकेट आप बनवा लें तो बेटर रहेगा। वैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही सर्टिफिकेट आगे काउंसलिंग के टाइम में IIT NIT IIT के एडमिशन में देना होगा। फॉर्म को भरने की जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म में सेंटर का जो अलॉटमेंट होता है वो रैंडमली होता है। उसको ऐसा नहीं होता कि पहले भरे तो पहला सेंटर मिल जाएगा, सेंटर अलॉटमेंट रैंडमली होता है। फॉर्म में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में उस स्टेट को आपको भरना चाहिए जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम दिया है या देने जा रहे हैं, क्योंकि IITs के बाद NIT के अंदर होम स्टेट कोटा लगता है। होम स्टेट कोटे में आपको अपने स्टेट में होम स्टेट कोटे का 50% सीटों का बेनिफिट मिलता है। तो फॉर्म भरते समय इन सब जानकारियों का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, और फॉर्म को जल्दबाजी ना करते हुए आपके पास 16 जनवरी तक का टाइम है, इसलिए सिस्टमेटिकली फॉर्म को भरना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हनुमान।